हेलो बच्चों, जैसा कि आपके सामने ये बुक दिख रही है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के लेखक की नवीन प्रस्तुति, लिखा हुआ है भौतिकी की समझ। और ये HC वर्मा की बुक है। जैसा कि आप सभी 11th एंड 12th क्लास में कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पढ़ चुके हैं, और नहीं भी पढ़ चुके हैं बच्चों तो आपने कभी ना कभी नाम जरूर सुना होगा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के। तो ये HC वर्मा की बुक है बच्चों, जो कि हिंदी मीडियम में लॉन्च हुई है, काफ़ी पहले हुई थी, और मैंने कम से कम 3 से 4 महीने पहले इस बुक को परचेज़ किया था। और मैं आज इसका रिव्यू दे रहा हूँ क्योंकि मैंने इस बुक को पढ़ा है, और बुक को पढ़ने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही प्यारी और बहुत ही ईजी है। बहुत ही ईजी तरीके से इसको समझाने की कोशिश की गई है। तो एक बहुत ही प्यारी सी बुक आपके सामने, भौतिकी की समझ। अगर बात की जाए बच्चों तो यहाँ पर इसकी रेट है 410, और जो कि अमेजोन पे है वो 440 के अप्रॉक्स है, क्योंकि मैंने अमेजोन से मंगाया था। ये भारती भवन पब्लिकेशन की है, जो कि पटना की एक पब्लिकेशन है, उसकी ये बुक है। बुक की अगर प्रिंटिंग की बात की जाए बच्चे, तो इसकी जो पेपर क्वालिटी है वो काफ़ी शानदार है, और जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ईजी है। कहने का मतलब ये है कि बहुत शुद्ध हिंदी भी नहीं है, इस तरीके की हिंदी का यूज़ किया गया है कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हरीशचंद वर्मा PhD, भूतपूर्व प्रोफेसर भौतिक विज्ञान IIT कानपुर। ये पूर्व कथा है यहाँ पर, जो कि हरीश जी ने लिखी है कि किस तरीके से। यहाँ पर आपको बच्चों विद्यार्थियों से कुछ बातें कही गई हैं भौतिकी की समझ जो है बुक के बारे में, और यहाँ पर ये जो हरीश जी हैं उन्होंने ही ये किया। यहाँ पर देखें तो ये विषय सूची आप देख पा रहे होंगे सामने, ये विषय सूची है। भौतिकी का परिचय है, फिर से भौतिकी की विमाएं, अध्याय 3 में मापन की संभावित त्रुटियां एवं सार्थक अंग है ना, सदिश राशियों का गणित है, और कलन शास्त्र। ये अगर अच्छी तरीके से हम बात करें, एक एक चैप्टर की बात करें, तो टोटल जो इसमें चैप्टर है बच्चों वो दिया गया है, टोटल 38 चैप्टर है इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं इधर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये टोटल बच्चों यहाँ पे 38 चैप्टर्स इसमें हैं। बहुत ही शानदार ये बुक है आपके सामने, और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं कोशिश करता हूँ कि हम सब भौतिक विज्ञानी हैं, इसको पढ़ करके मैं आपको दिखाऊं, ताकि आप इसको लैंग्वेज को समझ सकें कि ये कितने ईजी वे में इस लैंग्वेज को दिया गया है। तो आप इसके लैंग्वेज को देखें, दिया है नीला आकाश, आकाश में लटके हुए सूरज, चांद और तारे, प्रकाश की किरण फूटी, ज्योति प्रस्फुटित हुई, प्रभात हुआ, तारे जाने कहाँ छुप गए, चांद रहा भी तो निस्तेज महत्वहीन, दूर कहीं पूर्व दिशा में आकाश के पटल पर लालिमा फैली, सूरज धीरे धीरे प्रकट हुआ, अरुण वर्ण फैल गई खेतों में, मैदानों में, सड़कों पर, घरों की छतों पर, धूप की लंबी चौड़ी चादर, धीरे धीरे सूरज ने सौम्य अरुण वर्ण का परित्याग किया, आंख उठाकर देखा भी संभव ना हो दोपहर में ऐसा प्रचंड रूप, और संध्या काल अपने साम्राज्य को समेटता हुआ पश्चिम के आकाश को लाल करता हुआ गया कहीं और, रात आई तो झिलमिल चमकते तारों की बिंदियों ने श्रृंगार किया आकाश का, कहीं चांद की चमक कहीं शीतल चांदनी से हमारा मन मस्तिष्क को अधायित करने लगी, लाखों करोड़ों अरबों वर्षों से आकाश का ये निवासी अपनी दिनचर्या का भली भांति पालन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इसको किस तरीके से एक कविता के जरिए, एक इस तरीके से जो हम डेली के चीज़ों में अपने देखते हैं उस तरीके से इसको बताने की कोशिश की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं, बल्लेबाज आउट हो गया पर अगला गेंद फिर पैर पर लगा और अंपायर ने कहा नॉट आउट, हम चक्कर में पड़े, ये क्या हुआ। तो इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से ये डील करती हुई बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है ये। मात्रक और विमाएँ, परिमाण क्रम, यहाँ पर ये क्वेश्चन की अगर बात करें बच्चों तो यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं हर एक कॉन्सेप्ट के बाद यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिलते हैं, यहाँ पर हल किए गए आपको प्रश्न दिख सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर तो विचार हेतु प्रश्न दिए गए हैं, यानी कि आपको पढ़ करके और खुद इसको सॉल्व करना है। सटीक उत्तर वाले प्रश्न, यानी कि जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं वो हैं आपके, यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है, अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं। तो क्वेश्चन भी काफ़ी अधिक हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं पहले ही चैप्टर में यहाँ पर 19 क्वेश्चन हैं, एंड और भी हैं, और इसके आंसर्स भी दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। यानी अगर बात की जाए तो जैसे कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स है उसी को ट्रांसलेट करते हुए, लेकिन हिंदी के बहुत ही
सरल लैंग्वेज में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, जो कि आज के हम बच्चे इसको इजी तरीके से समझ सकें, इस तरीके से इसको लिखने की कोशिश की गई है। और वो सारे प्रश्न इसमें, वो बंदरों वाले प्रश्न, पुली पर लटकते हुए बंदर, वो सारे ही प्रश्न इसमें दिए गए हैं, जिससे ये बुक और भी फेमस होती है। तो बहुत ही प्यारी सी ये बुक आपके सामने, मैंने इसको पढ़ी है, और क्या नाम है, मेरे को बहुत ही इजी लगा ये बुक, अपने समझने में बहुत ही इजी है। तो आपको मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, और अगर आप क्या नाम है हिंदी मीडियम में कोई फिजिक्स की बुक लेना चाहते हैं 11th एंड 12th क्लास के लिए, तो आप ले सकते हैं। हाँ, इसकी और भी एक है बच्चों, इसमें कुछ चैप्टर्स नहीं हैं, जैसे विद्युत स्थैतिक की बात करें, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें, जो क्लास 12th के चैप्टर्स हैं, वो इसमें देखने को नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये चैप्टर, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं भौतिकी की समझ 1 लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं भौतिकी की समझ पार्ट 2 भी आएगी, और हमें उससे भी बहुत सारी उम्मीदें हैं उस बुक से, और वो भी बिल्कुल हमारे उम्मीदों पर खरी उतरेगी। जिस तरीके से ये बुक हमारी हमारे सामने है, ये बहुत ही ईजी है, उसी तरीके से वो भी होगी। जिस तरीके से कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स ने पूरी पूरी तरीके से छाई हुई है, अगर हम बात करें, तो ये भी छाने वाली है हमारे हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए, और हिंदी मीडियम के छात्रों को तो ये ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। अगर मैं बात करूँ प्राइस की, जब मैंने अमेज़ॉन से लिया था, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि अमेज़ॉन पे इस समय 440 के आसपास इसके अप्रोक्स रेट है, जिसको आप अमेज़ॉन से ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कि भौतिकी की समझ 1 पेपर ब्लैक एंड पेपर बैक, एंड यहाँ पर 1 जनवरी 28 एंड पेपर बैक की जो कीमत है वो है 440 का। तो आप 440 में इसको क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। मैंने जो लिया था, ये आज से 2-3 महीने पहले इस बुक को परचेज़ किया था। साथ में मैंने एक दो बुक और ली थी, वो ली थी क्लास 9th की फिजिक्स एंड क्लास 10th की फिजिक्स भी मैंने ली थी। तो उसकी भी मैं रिव्यू लेकर के आऊँगा, 9th की फिजिक्स एंड 10th की फिजिक्स की, और भी बहुत सारी बुक्स हैं जिनका मैं धीरे धीरे आपके सामने रिव्यू रखता जाऊंगा। और अगर आप इस तरीके की रिव्यू देखना पसंद करते हैं, अलग अलग बुक्स की, जो पुरानी बुक्स हैं, जो नई बुक्स हैं, तो आप मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें, और बताएं कि आपको ये बुक कैसी लगी। अभी तक जहाँ तक देखा गया है, कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको हो सकता है कि इसके PDF की नीड हो, कि वो इसके PDF लेना चाहते होंगे, तो मैं क्या नाम है इसको सपोर्ट नहीं करता कि आपको PDF मिले, बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसकी PDF भी मैं प्रोवाइड कर सकूँ। लेकिन जब राइटर ने एक बुक लिखी है, तो बुक का मज़ा आपको PDF में नहीं आएगा, इसलिए आप कोशिश करें कि आप बुक ही परचेज़ करें। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आप इतने कैपेबल नहीं हैं कि आप इसको परचेज़ कर सकें, तो कुछ ही दिनों में आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स मिल जाएंगे, जिससे आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं।